Hey guys, welcome back to the Science TV Hindi। और आज ट्रेवल करने के लिए एरोप्लेन को सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में अगर आपको प्लेन से कूदने की जरूरत पड़ जाए तो कमर्शियल प्लेन्स में कोई भी पैराशूट नहीं होता। पर आखिर ऐसा क्यों? जब कमर्शियल प्लेन सेफ्टी को इतना महत्व देते हैं तो फिर इन प्लेन्स में पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले होममेड प्लेन से, जिसे हम अल्ट्रा लाइट प्लेन कहते हैं। इस तरह के प्लेन्स को बनाने के लिए किसी तरह का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती। इवन यूएस जैसे कंट्रीज में अल्ट्रा लाइट प्लेन खुद से बनाने के लिए किट भी मिल जाता है। बस किट को खरीदना है और सारे पार्ट्स को असेंबल कर दो, फिर क्या, आपका प्लेन तैयार हो गया उड़ान भरने के लिए। नाउ अब बात करते हैं कि इन होममेड प्लेन्स में पैराशूट क्यों नहीं होता। सबसे पहली बात ये कि ऐसे प्लेन को बनाया ही कुछ इस तरह से जाता है कि वो अल्ट्रा लाइट रहे। अब आप खुद ही सोचिए, एक अल्ट्रा लाइट प्लेन में 8 से 10 केजी का पैराशूट रखना मेरे हिसाब से इवन प्लेन के हिसाब से भी सही नहीं होगा। नाउ अगर कोई इंसान फिर भी पैराशूट रख देता है तो वो उसे यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हल्के प्लेन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ान भरते। पैराशूट का यूज करने के लिए भी एक सर्टेन एल्टीट्यूड चाहिए जो ये हल्के प्लेन नहीं दे पाते। अगर ये अल्ट्रा पायलट उस एल्टीट्यूड पर चला भी जाता है जहां पर पैराशूट यूज किया जा सकता है, अगर ऐसे कंडीशन में उसका प्लेन क्रैश होने वाला है और अगर वो इमरजेंसी कंडीशन में प्लेन को छोड़कर पैराशूट से कूदने का निर्णय लेता है तो वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि वो पैराशूट से सेफली लैंड कर जाएगा। लेकिन गलती से भी अगर उसका प्लेन किसी के घर में क्रैश हो गया तो प्लेन के मालिक पर केस भी हो सकता है, उसे जेल की चक्की भी पीसनी पड़ सकती है, क्योंकि प्लेन चाहे कोई भी हो उसे उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इवन आजकल तो ड्रोन भी उड़ाने की इजाजत नहीं होती। वहीं अगर दूसरी तरफ वो प्लेन में ही रहता है तो वो आसानी से इंजन फेलियर के बाद भी बच सकता है, क्योंकि अल्ट्रा लाइट प्लेन किसी कागज के प्लेन की तरह ही होती है। ऐसे प्लेन्स अचानक से नीचे नहीं गिरते बल्कि धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए नीचे आ सकता है, और इतने टाइम में वो पायलट उस प्लेन को किसी सेफ एरिया में लैंड करा सकता है। नाउ हम बात करते हैं सेस्ना जैसे छोटे प्लेन्स की। अगर ये प्लेन कमर्शियली फ्लाई करता है तो इस कंडीशन में पैसेंजर्स के लिए कोई भी पैराशूट नहीं होता। लेकिन आपने कई बार देखा होगा स्काई डाइवर अक्सर सेस्ना जैसे छोटे प्लेन से ही कूदते हैं, आखिर उनके पास पैराशूट कहाँ से आता है? वेल, यहाँ पर जवाब ये है कि वो पैसेंजर्स नहीं होते, उसका मकसद ही होता है पैराशूट से नीचे कूदना। अगर आप ऐसे छोटे प्लेन्स में एज अ पैसेंजर सफर करते हैं तो आपको पैराशूट नहीं दिया जाएगा। नाउ हम बात करते हैं मिलिट्री प्लेन्स की। तो इसमें हो सकता है कि पैराशूट मौजूद हो अगर जरूरत पड़े तो। एग्जांपल के लिए कोई वीआईपी पर्सन जैसे कि पीएम ट्रेवल कर रहे हो तो उस कंडीशन में प्लेन में पैराशूट रखा जाता है ताकि इमरजेंसी में प्लेन से कूदा जा सके। लेकिन अगर हम बिपिन रावत सर के केस को देखें तो इसमें कोई भी पैराशूट का यूज नहीं किया गया, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर हिल से महज कुछ ही फीट ऊपर फ्लाई कर रहा था, जबकि एक पैराशूट को खुलकर ठीक से ओपन होने में 600 से 1200 फीट के एल्टीट्यूड की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे कंडीशन में अगर उस हेलीकॉप्टर में पैराशूट होता भी तो वो यूजलेस होता। नाउ हम बात करते हैं कमर्शियल प्लेन्स की। इन प्लेन्स में आखिर क्यों पैराशूट नहीं दिया जाता? नाउ इसे समझने के लिए हम चलते हैं एक इमेजिनरी सफर पर, जहां पर जल्द ही हमारा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। लेकिन ये सफर इस बार यूनिक होने वाला है, क्योंकि हमने सारे पैसेंजर्स को पैराशूट प्रोवाइड कर दिया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, आमतौर पर प्लेन्स के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, फ्यूल खत्म हो जाए, इंजन फेल हो जाए, चाहे इंजन टूट ही क्यों ना जाए, प्लेन आसानी से ग्लाइड कर सकता है जब तक कि उस प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। इंजन फेलियर के बाद प्लेन को APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहता है, लेकिन इसे भी रन करने के लिए फ्यूल चाहिए। पर अगर प्लेन में फ्यूल ही खत्म हो जाए तो ये APU भी अपना काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में रेट यानी कि रैम एयर टरबाइन काम आता है, जो कि पवन चक्की के जैसे रोटेट होकर इलेक्ट्रिसिटी प्लेन में प्रोवाइड कर देता है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रखता है। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा तो प्लेन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए पायलट संभाल लेगा। लेकिन क्या हो अगर हाइड्रोलिक सिस्टम ही फेल हो जाए? धरती से 30,000 फीट ऊपर हमारा प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, ऐसे में सारा कंट्रोल सिस्टम ही ठप हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ रडर पेडल ही काम करेगा, क्योंकि सिर्फ रडर पेडल ही मैकेनिकली कनेक्ट होता है। ऐसे में प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमारे पास है पैराशूट, लेकिन अभी प्लेन से कूदना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारा प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है और इतने एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है और एयर प्रेशर भी बहुत कम होती है। इसके अलावा टेम्परेचर भी -40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतने ठंड की आपके खून में भी कुल्फी जम सकती है, इसलिए प्लेन से जंप करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और प्लेन को 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना पड़ेगा। जब तक ये प्लेन 20,000 फीट के एल्टीट्यूड तक आता है, तब तक हम ये सोच लेते हैं कि अगर हम कूदे तो कहां से कूदे। दोस्तों पायलट्स के पास बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। दोस्तों कुछ प्लेन के छत में हैज होता है, यहां से पायलट्स आसानी से निकल सकते हैं। वहीं कुछ प्लेन्स में साइड विंडो को भी ओपन किया जा सकता है। पायलट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होती है ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल का प्लेन है। खैर पायलट का जुगाड़ तो हो गया, पर पैसेंजर क्या करेगा, वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे। दोस्तों वैसे तो प्लेन से बाहर निकलने के लिए कई सारे डोर्स बने होते हैं, लेकिन इतने एल्टीट्यूड पर प्रेशर डिफरेंस होने के कारण इतने एल्टीट्यूड पर डोर को ओपन नहीं किया जा सकता, चाहे सैकड़ों लोग भी इसे ओपन करने की कोशिश क्यों ना करें। इस समस्या का समाधान करते करते हमें कॉकपिट में एक कुल्हाड़ी दिखाई देता है। अब जब तक हम इस कुल्हाड़ी की मदद से डोर को तोड़ते हैं, तब तक सारे पैसेंजर को पैराशूट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, 90% पैसेंजर्स को तो ये पता ही नहीं कि पैराशूट का इस्तेमाल आखिर कैसे करें। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऊंचाई से बहुत डर लगता है, नीचे कूदते ही वो बेहोश हो सकते हैं। इसके बाद उस पैसेंजर का क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। अगर कुछ लोगों का पैराशूट भी ओपन हो जाए, तब भी वो नदी नाला समुद्र पता नहीं कहाँ पर लैंड करेगा। हो सकता है वो किसी बिल्डिंग से या इलेक्ट्रिक खंभे से टकरा जाए। पैसेंजर सही से पैराशूट का इस्तेमाल कर पाए, इसकी संभावना बहुत कम है। सो फाइनली हमने कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन के डोर को भी तोड़ के अलग कर दिया। अब यहाँ पर एक और समस्या आ गई, बाहर की हवा बहुत ही तेज है। अगर कोई भी पैसेंजर बाहर कूदने की कोशिश करे तो हो सकता है वो विंग से टकरा जाए या फिर इंजन सबको अपने अंदर सक कर लेगा। ऐसा होने पर मौत तो निश्चित है। अगर कॉकपिट के विंडो को भी ओपन करके कूदने की कोशिश किया जाए, तब भी ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता। इवन प्लेन के छत से भी अगर निकलने की कोशिश किया जाए, तब भी पायलट्स के साथ हादसा हो सकता है। मतलब कि अब भारी आफत आ चुकी है। आखिर कूदे तो कहां से कूदे। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा, कौन सा काम करने से अधिक लोग जिंदा रह सकते हैं। सपोज 100 पैसेंजर्स में से 50 पैसेंजर बिना टकराए प्लेन से कूद जाते हैं। इसके बाद 40 लोग अपना पैराशूट ओपन कर लेते हैं और लगभग 30 लोग सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। नाउ यहां पर सिर्फ 30 लोगों की ही जान बच पाएगी, तो क्या ऐसा करना सही डिसीजन है या नहीं। वेल यहां पर जवाब है नहीं। यहां पर 30 लोगों को बचाने के चक्कर में हजारों लोगों की जान जा सकती है। अगर प्लेन से सभी लोग कूद जाए तो हो सकता है ये प्लेन लड़खड़ाते हुए किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाए या फिर ये किसी बिल्डिंग से टकरा जाए। ऐसे में हजारों लोगों की मौत तो तय है। अगर ये प्लेन आबादी वाले क्षेत्र में ना गिरे, तब भी 30 लोगों को बचाने के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। सीधे सीधे कहें तो इन प्लेन्स में पैराशूट का कॉन्सेप्ट ही बेकार है। प्लेन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, प्लेन टूट जाए, फट जाए या फिर आग भी क्यों ना लग जाए, सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, प्लेन्स को ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि गंभीर से गंभीर अवस्था में भी ये प्लेन्स आसानी से किसी एयरपोर्ट में लैंड कर सकते हैं। और प्लेन में अगर पैराशूट ना दिया जाए तो और भी अधिक लोग बच सकते हैं। इसके अलावा दूसरे लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लेन में पायलट रहेगा तो वो प्लेन को किसी रिमोट एरिया में, समुद्र में या फिर पॉसिबल हो पाए तो किसी एयरपोर्ट में भी लैंड करा सकता है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर प्लेन में पैराशूट होना बेकार है तो क्यों फाइटर प्लेन्स में पैराशूट दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो फाइटर प्लेन्स में सीट इजेक्टर लगा होता है। सीट में लगा बूस्टर पायलट को प्लेन से दूर कर देता है ताकि वो प्लेन से ना टकरा जाए। लेकिन ऐसी फैसिलिटी आपको एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलने वाला। जब कभी भी फाइटर प्लेन्स किसी मिशन पर जाते हैं तो वो कभी भी अकेले फ्लाई नहीं करते, क्योंकि हो सकता है किसी इमरजेंसी कंडीशन में पायलट को सीट इजेक्ट करना पड़े। ऐसे में फाइटर प्लेन में इंस्टॉल बहुत सारे मिसाइल्स धरती से टकराते ही किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो सकता है। और अगर ऐसा किसी सिटी के अंदर हो जाए तो पूछो ही मत कि कितनी तबाही मचेगी। अगर वो यहाँ पर टीम में काम करते हैं तो दूसरा फाइटर प्लेन जो कि सुरक्षित है, वो डैमेज एयरक्राफ्ट को हवा में ही उड़ा देगा। इसके बाद नीचे गिरने का कोई चांस ही नहीं। रही बात फाइटर प्लेन के पायलट की, तो वो सीट इजेक्टर में लगे पैराशूट की मदद से नीचे उतरकर खुद की जान बचा सकता है।
पैराशूट लेके अगर प्लेन से कूदना हो तो सिर्फ सेसना जैसे छोटे छोटे प्लेन्स की ही मदद ली जाती है। आज के कमर्शियल प्लेन्स में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। वहीं कुछ कार्गो प्लेन्स भी होते हैं जिसका निचला हिस्सा ओपन हो जाता है, यहाँ से आसानी से नीचे कूदा जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ कार्गो प्लेन में ही पॉसिबल है, न कि कमर्शियल प्लेन्स में। अगर सारे कमर्शियल प्लेन्स में ऐसे एग्जिट डोर बना दिया जाए तो प्लेन का खर्च काफी बढ़ सकता है। इवन सारे पैसेंजर्स के लिए प्लेन में पैराशूट रखने से भी प्लेन का वेट काफी बढ़ जाएगा और एक लंबे समय के अंतराल में ये बहुत खर्चीला हो सकता है। अगर इन खर्चों को हम साइड में भी रख दें तब भी समस्या वही रहेगी कि पैसेंजर्स को पैराशूट का यूज करना ही नहीं आता। अगर कोई पैसेंजर जंप करके नीचे किसी इंसान के ऊपर गिर जाए या किसी घर गली मोहल्ले में गिर जाए, ऐसे कंडीशन में इसका रिस्क कौन लेगा, इसलिए ये आइडिया भी बेकार है। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिर प्लेन्स में पैराशूट नहीं दी जाती, और अगर दिया भी जाता है तो किस कंडीशन में। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।